स्वागत दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आप लोग अपना हॉनर स्कोर को कैसे अब यहाँ के इंक्रीज कर सकते हो, कैसे बढ़ाना, सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इजीली बढ़ा सकते हो और कम टाइम में आप लोग को, जैसे आपका 8 का माइनस हो, 4 का माइनस हो, उसको कैसे आप लोग 100 या फिर जो भी आप लोग का गेम के रिक्वायरमेंट जितने भी हॉनर स्कोर हम लोग को चाहिए वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे रीजन है हमारा हॉनर स्कोर तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से लग सकता है क्लैश स्क्वाड के अंदर अगर आप लोग राउंड नहीं खेलते हो, एक ही जगह पर खड़े रहने से भी हॉनर स्कोर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन है, तो उस रीजन से हम लोग को यहाँ पे हॉनर स्कोर यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। बट यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा और भी तरीके रहते हैं जिससे हम लोग हमारा हॉनर स्कोर को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 8 का हॉनर स्कोर माइनस कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे रैंक गेम के अंदर मैं गया था स्क्वाड के साथ और मैंने बैक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे वो लग गया कि भाई तुमने गलत किया है, उन बंदों के साथ ज़्यादा वो लगेगा, तो उस वजह से आप लोग को यहाँ पे माइनस कर दिया हॉनर स्कोर। बट अब बात आती है यहाँ पे हॉनर स्कोर बढ़ाने की। तो देखो यहाँ पे रैंक गेम खेलने के लिए आप लोग को यहाँ पे कम से कम यहाँ पे आप लोग को 15 से 16 मिनट लगता है, ठीक है। साथ में जैसे यहाँ पे कलर क्लैश स्क्वाड की बात करें तो एक क्लैश स्क्वाड की गेम यहाँ पे 14 या 15 मिनट तक चलती है, ठीक है। लॉन वॉल्फ की बात करें तो वो यहाँ पे 5-7 मिनट चलती है। तो इस तरीके से लॉन्ग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर हम लोग को थोड़ा सा कम टाइम के अंदर भी हम लोग हमारा हॉनर स्कोर उसको मेंटेन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरा हॉनर स्कोर कितना था, यहाँ पे 92 हो गया था और यहाँ पे देख सकते हो 97 हो चुका है, सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप लोग को भी यहाँ पे आप लोग टाइम वगैरह भी देख लेना, यहाँ पे 2-2 मिनट या फिर 1-1 मिनट टाइम लगाए एक हॉनर स्कोर प्लस करने में। और हमारा हॉनर स्कोर एक दिन के अंदर हम लोग 5 प्लस ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका हॉनर स्कोर माइनस हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है क्योंकि आपको 16 का लग जाता है, ठीक है। तो भाई एक दिन के अंदर आप लोग सिर्फ 5 प्लस कर पाओगे तो थोड़ा आप लोग को 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है, प्लस करने में। अगर आप लोग का यहाँ पे 8 का लगता है तो 5 प्लस करके आप लोग इजीली रैंक और क्लैश स्क्वाड दोनों खेल सकते हैं। तो उसके लिए गाइस आप लोग को रैंक वगैरह या फिर क्लैश स्क्वाड या फिर हमारा लॉन वॉल्फ खेलने की जरूरत नहीं है। क्राफ्टलैंड के अंदर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मैप देखने के लिए मिल जाएगा जो कम टाइम के अंदर आप लोग को हॉनर स्कोर एक देख यहाँ पे 1 प्लस करके देता है। तो यहाँ पे टाइम देख लेना है, अब दोनों मैप में आप लोग को दिखा रहा हूँ, इन दोनों मैप के अंदर आप लोग को सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे हमारा क्राफ्टलैंड खेलने से हमारा आईडी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा होता तो भाई क्राफ्टलैंड मैप ही क्यों लाते, ठीक है। अगर फ्री फायर को ऐसा ही होता भाई कि आईडी वगैरह बैन करने की होती तो ये मैप लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो क्राफ्टलैंड खेलना भी जरूरी है, खेल सकते बहुत सारे बंदे और वहाँ पर भी हम लोग को बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आप लोग को पता है वो क्राफ्टलैंड के अंदर इमोट वगैरह भी मिलता है, तो आप लोग वो भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को क्राफ्टलैंड अच्छा खेल, वहाँ पे जाके भी आप अपना हॉनर स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग खेलो, आप लोग का हॉनर स्कोर जितना रिक्वायरमेंट चाहिए आप लोग को बीआर रैंक खेलने के लिए या फिर क्लैश स्क्वाड खेलने के लिए, उतना आप लोग वहाँ जाके कम टाइम के अंदर प्लस करके खेल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोग को आज का इस छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आप लोग को बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।